मैं भारत सरकार से आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या गुनाह किया है हिमाचल प्रदेश की जनता का जिसे आप डिप्राइव कर रहे हैं फंड फ्लो के लिए? हिमाचल प्रदेश को बाकी देश के हिस्से से नहीं गिना जा सकता है उस फंड के लिए। हियर द डिजास्टर विल बी ग्रेटर देन जो देश के दूसरे हिस्से होते हैं। हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, अब यहां आ गया है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, ये तो कहना बहुत कठिन है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर ये फेनोमेना, मैं इतना कह रहा हूं, या ये रुझान अगर ये बन गया है तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि ये जो सारा हो रहा है इसका मुख्य कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग है, और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है तो मैं समझता हूं आपकी प्लानिंग जो है देश की और राज्यों की, उसमें बड़ा परिवर्तन आपको लाना होगा। उसमें मेजर इशू क्या है? मेजर इशू है कि आपको हर किस्म के पानी को रेगुलेट करना है, बारिश के पानी को रेगुलेट करना है, छत के पानी को रेगुलेट करना है, और आपको नियंत्रण करना है जो भी अलग अलग किस्म की पानी जो है उसको आपको निश्चित रूप से करना है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा धन राशि आपको अलग से बजट तैयार करना पड़ेगा, तभी आने वाले वर्षों में आप इससे कम से कम नुकसान से बचने में सक्षम होंगे। अगर आप इसको टाल दोगे और ये आने वाले वर्षों में रिपीट हो गया तो मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश जिस रूप में आज एग्जिस्ट कर रहा है ये इस रूप में नहीं एग्जिस्ट करने वाला। देखिए, अब इसके बारे में क्या बोला जाए। मैंने जयराम ठाकुर जी को सुना और ईमानदारी से आपसे शेयर कर रहा हूं, आई हैड हाई रिगार्ड्स इरिस्पेक्ट ऑफ हिम बीइंग इन द बीजेपी, लेकिन कल या परसों उन्होंने बयान दिया कि इसका टर्मिनोलॉजी मत देखिए। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या टर्मिनोलॉजी? नेशनल डिजास्टर इज अ नेशनल डिजास्टर, उसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। उसके अपने जो मापदंड है, जो उसके इंग्रेडिएंट है, जो उसके इश्यूज है जिसके आधार पर आप उसको डिक्लेयर करेंगे, तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके आधार पर आप नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं। आज हिमाचल की जनता पीड़ा के दौर से गुजर रही है और तीनों जो है इंग्रेडिएंट्स वो और है। आज तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम करते हैं, कहीं हुआ है देश के अंदर आपकी 300 की मृत्यु की दर हुई है कहीं? मुझे बताएं आप, नहीं हुई है, रीसेंट पास्ट में नहीं हुई है। जहां 300 से कम मृत्यु की वो दर पहुंची है वहां भी आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, नेशनल डिजास्टर घोषित किया। हमने क्या गुनाह कर दिया है आप बताएं? मैं भारत सरकार से आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह किया है हिमाचल प्रदेश की जनता का जिसे आप डिप्राइव कर रहे हैं फंड फ्लो के लिए? जो पैसा आया है, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं विधानसभा में रहा हूं, ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग होता है। ये हम हमेशा लड़ते रहे इस प्रश्न को लेकर कि जो नेचुरल क्लैमिटी होगी, डिजास्टर होगा, उसका कितना फंड होगा। दैट वॉज मेरे ख्याल ये 10% दिया जाता है वो हर राज्य को। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बाकी देश के हिस्से से नहीं गिना जा सकता है उस फंड के लिए। हियर द डिजास्टर विल बी ग्रेटर देन जो देश के दूसरे हिस्से होते हैं। इसलिए हमारी पार्टी डे वन से, जब प्लानिंग कमीशन था उस समय, जब आपका नीति आयोग आया उस समय, हमने लिखित रूप दिया है कि इट मस्ट बी मिनिमम 15% ये बढ़ना चाहिए। आपने वही पैसा दिया है ना, उसका एक हिस्सा आ गया, जो दिसंबर में आना था वही आया है। आप बताएं, आपने उसके एडिशनल जो नेशनल डिजास्टर के समय भारत सरकार में के हाथ में होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होता है, एक नया पैसा नहीं दिया, एक नया पैसा नहीं दिया। दैट इज द ट्रेजेडी।
ये ट्रेजेडी हुई है, दुख है हमें, लेकिन इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि आपने एक नया पैसा नहीं दिया और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज नॉट गुड। यह हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, अब यहाँ आ गया है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता है। मेहरबानी कर कर अगर हमने गलती की है, हम कहीं दोषी है, हमारा दोष बताएं, हम माफी मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ इस तरीके के मत करो। POW का भी एक नियम होता है, जब युद्ध हो जाता है और प्रिजनर ऑफ वॉर जो हो जाते हैं उसके भी नियम है, आपने उन नियमों को भी पार कर दिया है जो एक दुश्मनी देश दुश्मन के देश के साथ जो करते हैं उनको भी आपने पार कर दिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा और इससे अधिक इस समय नहीं कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा दुख हो नहीं सकता है। हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने नज़दीकी खो लिए हैं, जो चले गया है वो अब आने वाला नहीं है, हम तो हौसला ही दे सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं है।